हम ये देखते हैं कि किस तरह से अपनी वीडियो के चैनल यानी कि अपने चैनल के ऊपर अगर हम कॉपीराइट की स्ट्राइक को बचना चाहते हैं और अपने चैनल का भी प्रमोशन करना चाहते हैं और साथ साथ एक अपना न्यूज़ बार भी चलाना चाहते हैं, प्लस में कोई बैकग्राउंड के ऊपर म्यूजिक भी लगा रहे और हमारा लोगो भी यहाँ पे वर्किंग करता रहे, तो इस तरह के मामलात को हम किस तरह से कर सकते हैं पावर पॉइंट के ज़रिए, और ये आसान है दीगर सॉफ्टवेयर के निस्बत में ईजिली हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह में आपको एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर जैसे यूट्यूब की कोई भी वीडियो आप डाउनलोड करते हैं अपने पास, अब डाउनलोड करने के बाद अगर डायरेक्टली अपलोड कर देंगे तो उस पर कॉपीराइट और स्ट्राइक वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन डाउनलोड करने के बाद ऐसे अपने चैनल का नाम लिख दें ऊपर, बीच में वो वीडियो लगा दें और नीचे अपना ये चला दें, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत एडिट कर दें और नीचे ऐसे एरो भी बना दें उसके ऊपर और फिर अपलोड करेंगे तो फिर स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगा और वो वीडियो उस पर सही तरह चलता रहेगा। तो अब इसको करने का तरीका क्या हो सकता है, पहले हम यहाँ से एक इस तरह का ब्लैंक ये ले लेते हैं फॉर्मेट और उस पर क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, तो ये हमारे सामने किस तरह से आ जाएगा। अब इसका पूरा का पूरा एक हमें डिज़ाइन करना है कि ये काम कैसे हो सकता है। देखें, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सी वीडियो को हम इसके बैकग्राउंड पे लगाना चाह रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हम उसके ऊपर दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए काफ़ी एक स्ट्रिकी अमल हो सकता है कि मिसाल के तौर पर हमने इंसर्ट में जाके वीडियोज़ के ऊपर क्लिक किया यहाँ से और फिर वीडियो में जाके दिस वीडियो पर क्लिक किया। अब यहाँ पर वीडियो दो तरह से ऐड करा सकते हैं, एक वो वीडियोस जो मेरे कंप्यूटर में डाउनलोडेड हैं मौजूद हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये तो कुछ ह्यूमंस वीडियोस हैं, जैसे हमारी अपनी लेक्चर वीडियोस होती हैं उसकी हम ले लेते हैं थोड़ी एग्जांपल। तो स्क्रीन रिकॉर्ड्स में जाके हमने क्लिक किया यहाँ से और ये कुछ लेक्चर वीडियोस मेरी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके अंदर मिसाल के तौर पर हम एक छोटी मोटी कोई वीडियो देखते हैं इसके अंदर, जैसे ये आज की वीडियो है इसके ऊपर हम ये बताने वाले हैं कि ये चीज़ 35 MB की एक वीडियो है, तो इसको हमने इंसर्ट करा लिया और ये इधर आ गया। अब जैसे इधर आएगा तो वीडियो फॉर्मेट का टैब एक्टिवेट हो जाएगा और टैब जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इसके अंदर हमारे तो यहाँ पर आके मंथली इधर करना है, बोल्ड कर दे रहा है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर देना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्लिक करके अब इसके ऊपर हमें करना ये है कि इस पे भी एक ऑप्शन है बड़ा अच्छा वीडियो के साथ भी कि अगर जैसे हम शुरू में इसको प्ले करते हैं यहाँ से प्ले करते हैं तो यहाँ पर आके मंथली पेरोल शीट जो है वो आप किस तरह से बनाएंगे, कट करना है पीस, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट के अंदर जिसका नाम होगा प्लेबैक में जाएंगे, प्लेबैक में जाके ट्रिम वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा। अब ट्रिम में मुझे कितना हिस्सा ट्रिम करना है, लेट्स सपोज ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि ये 33 सेकंड 9 सेकंड्स के बाद ये हो गया, एक मिनट यहाँ रखते और ये हो गया 1 सेकंड, ये हो गया 2 सेकंड और ये हो गया 3 सेकंड, तो मुझे 2 सेकंड कम्प्लीटली इसमें से रिमूव करना है, ये यहाँ तक का हिस्सा जो है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहीं पर रख के इसको मुझे ओके कर देना है आगे वाले हिस्से पे। तो अब जब प्ले करेंगे हम इसको है वो आप किस तरह से बनाएंगे, ये कुछ इसका फॉर्मेट है, स्टॉप कर दिया मैं इसका पीछे ले गया, तो इस तरह से है वो आप किस तरह से बनाएंगे, ट्रिम कर दिया। अब लास्ट वाले पार्ट में ये कुछ इसका फॉर्मेट में कहां से जा रहा है एंड हो रहा है यहां पे, तो लास्ट में ये वाला हिस्सा भी मुझे ट्रिम करना है, तो ट्रिम वीडियो में गए और लास्ट वाले पार्ट को भी मैंने इस तरीके से थोड़ा सा कम किया डाउन एरो की मदद से, ये आ गया 19 सेकंड पर, ये आ गया 18 सेकंड पर, 17 पर, या 17 पे, 16 पे, 17 पे हम इसको ट्रिम कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो शुरू वाला हिस्सा भी और आखिरी वाला हिस्सा भी हमारी वीडियो का तो है वो आप किस तरह से बनाएंगे, ये कुछ इसका फॉर्मेट है, इसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं और इस तरह से ये आप इस तरह की शीट को डिजाइन इजीली कर पाएंगे। 3 सेकंड का हमने इसको ट्रिम कर दिया, इस तरह वीडियो का जो भी हिस्सा इनिशियल पार्ट और एंड पार्ट जो आपको अलग करना हो ट्रिम करना हो तो इजीली आप उसको कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा हिस्सा इसके ऊपर प्लेबैक के ऊपर, और भी ऑप्शंस हैं जैसे कि ट्रिम हो गया, फैड इन है। अब फैड इन में क्या होगा, जैसे वीडियो शुरू होगी तो हल्का सा पहले वो ग्रे लाइट होगा फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डार्क होगा, तो हम यहाँ पे 10 सेकंड का लगा देते हैं इसके ऊपर और उसको प्ले करेंगे वो आप किस तरह से बनाएंगे, ये कुछ इसका फॉर्मेट है। इसमें जब इसको लगाया तो वो ट्रिम इसमें से खत्म हो गया क्योंकि 10 सेकंड शुरू वाला हमने इसका ले लिया, तो अंडू कर लेते हैं इसको हम थोड़ा सा, यानी कि अगर इसको लगाएंगे तो फिर ट्रिम वाला सेगमेंट हमारा फिर खत्म हो जाएगा, फिर इसका तो है वो आप किस तरह से वाले को अगर ये लगा रहे तो ट्रिम वाला फिर सेगमेंट हमारा काम नहीं कर रहा, फेड आउट में भी इसी तरह से होगा। अच्छा, उसके बाद अब आ रहा है ये एक्स्ट्रा ब्लैक कॉर्नर्स आ रहे हैं, इनको क्या करें, तो वीडियो फॉर्मेट में क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो आप इनको यहाँ से निकाल दें इन सेगमेंट्स को, ताकि वो जो अननेसेसरी और अनवांटेड एरिया है इसके अंदर से वो यहाँ से निकल जाए, तो ये हमने यहाँ से निकाल दिया और नीचे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमें इस तरह से अब दिखाई दे रहा है। अब इसको एक फ्रेम में डालना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे वीडियो फॉर्मेट में, ये मुख्तलिफ बने बनाए फ्रेम्स आ रहे हैं, अब कौन से फ्रेम में आपकी वीडियो ज़्यादा सूटेबल लग सकती है लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे अच्छा लगेगा, तो एक फ्रेम आप कोई भी चूज़ कर लें, लेट्स सपोज हमने ये वाला फ्रेम चूज़ कर लिया और उसके बाद आपने इसको उठा के थोड़ा सा फ्रेम को वीडियो को कम करके यहाँ पर लगा दिया,
ठीक है, तो ये आपकी वीडियो कुछ इस तरह से उस स्क्रीन पे नजर आने वाली है। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, थोड़ा बड़ा होकर नजर आ जाएगा ये इस तरीके से, और ये एक बन गया हमारा मामला। ठीक, ये फ्रेम हमने ऐसा लगा दिया। और कोई और बेहतर फ्रेम है आपके पास तो ये इस तरह का फ्रेम भी लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आप इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं वो आप इस तरीके से ऐड कर लें इसके ऊपर, और ये वीडियो इसमें ऐड होगी। अब वीडियो प्ले कैसे होगी, तो वीडियो का प्ले होने का तरीका ये है कि आप प्ले बैक पे जाएंगे, इसको यहाँ क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली पे रख देंगे एंड देन सेव कर देंगे। जैसे स्लाइड शो स्टार्ट होगा तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाएगा। जो है वो आप किस तरह से बनाएंगे, ये कुछ इसका फॉर्मेट है। इसमें कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ इसके टैक्सेस होंगे या डिडक्शंस होंगी, और इस तरह से आपने डिजाइन करनी है। तो मैं इसको सबको चैनल पे ऐसे ही अपलोड कर देते हैं तो इसका क्या फायदा होगा। मैंने बताया कि देखें, एक तो है सिंपल सा काम जो मैं कर रहा हूँ चैनल पे ना, ये थोड़ा सा उसमें अट्रैक्शन ऐड करने के लिए। अब अट्रैक्शन सिर्फ यहाँ से नहीं ऐड होगा, मिसाल के तौर पे अब हम इसमें अपने चैनल की प्रमोशन की पब्लिसिटी भी कर सकते हैं, मैं अपनी जाती पब्लिसिटी भी कर सकता हूँ। अब ये कैसे काम होता है, जैसे मैंने इंसर्ट पे गया और यहाँ से वर्ड आर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, राशिद आईटी वर्ल्ड, ये मैंने अपने चैनल का नाम इस पर प्रमोट करने के लिए लिख दिया, और इसको यहाँ से पकड़ के मैंने इसको ऊपर कर दिया, और ये देखें इस तरह से यहाँ पे नज़र आने वाला है। थोड़ा बहुत इसके सीक्वेंस पे अगर मैं रखना चाह रहा हूँ तो उसको क्लिक करके यहाँ से थोड़ा ऊपर करके इस तरह से मैंने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं नीचे ले आया, तो ये देखें ये इसके ऊपर ऐसे टिका हुआ नज़र आ रहा है, सही। अब सेकेंडली मैं इसके अंदर थोड़ा सा और चेंजेस कर सकता हूँ, क्लिक करके यहाँ से मैं इसको होम में जाके इसका फॉन्ट वगैरह अपडेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास बेहतर किस्म के फॉन्ट हैं, जैसे इस तरह का फॉन्ट है या अंडलेस फॉन्ट है, ये भी ज़्यादा बेहतर है, या फिर इस तरह के फॉन्ट्स पर डाल सकता हूँ, या फिर इस तरह का फॉन्ट है यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं, कुछ फॉन्ट्स के बारे में भी हमें एक दो क्लासेस करनी पड़ेंगी जिसमें थोड़ा सा समझ में आए कि कौन से फॉन्ट ज़्यादा बेहतर है, बेनिफिशियल्स हैं, नज़र आ रहे होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास ये मसला होता है कि भाई अब ये तो हो गया हमारा मामला, लेकिन अब इसके अंदर सिखाया क्या जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। तो भाई जैसे अब ये क्लास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ना, तो इसके अंदर एक्सेल के बारे में बताया जा रहा है। तो हमने क्या किया कि एक एक्सेल का आइकन ले लेते हैं। अब एक्सेल का आइकन हमें गूगल से भी मिल जाएगा और हम खुद भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम चले गए एरर 404 बंद है ये, तो क्लिक किया यहाँ से, इसको खोल लिया वेबसाइट को, और यहाँ पे हमने ले जाके ओके गूगल खोला, और google.com पे जाके हमने कहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आइकन्स, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें एक्सेल के बेहतरीन किस्म के आइकन्स आ गए। अब जो मुझे सूटेबल लग रहा है इसके अंदर से वो मैं इसके अंदर से ले लेता हूँ। लेट्स सपोज ये वाला ज़्यादा सूटेबल है और उसका सही है, तो राइट बटन दबा के मैंने इसको पहले सेव इज कर लिया, सेव इमेजेस इज। तो इससे मुझसे पूछा कि किस नाम से सेव करना चाहेंगे आप, ये आ गया, तो WEP फाइल है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको कॉपी कर रहा हूँ, PNG तो मैं ले लेता, कंट्रोल वी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये देखें आइकन इस तरह से आ गया, और इसको क्लिक करके मैंने इस आइकन को उठा के यहाँ पे रख लेना है, कहीं पे दिखाना है। बस सपोज मैं इसको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि हाइलाइट्स हों और ये इस तरह से जाहिर हो। अब उसके साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि पिक्चर फॉर्मेट्स में जाके कि भाई इसके कलर इफेक्ट कैसे रहेंगे सही, कि इस पर कौन सा इफेक्ट, ये इफेक्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर इसको यहाँ से ले जाके पिक्चर स्टाइल्स करेक्शंस एंड आर्टिस्ट्स, अच्छा अब चूंकि ये पिक्चर है इसलिए इस पर हम ज़्यादा स्टाइल तो अप्लाई नहीं कर पा रहे, लेकिन समहाउ हम इस पर ये कर सकते हैं कि इसको ग्लो इफेक्ट दे सकते हैं, जिसके साइड से कुछ लाइट्स को हम ग्लो करवा लेते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसे ही रहने वाला है, तो इसको ग्लो करवा लेते हैं, या हाँ वाइट कलर से ग्लो करा लेते हैं, क्लिक करेंगे तो ये देखें साइड से ग्लो हो जाएगा। और ग्लो के बाद हम इसका जो एक्सटेंसिव मोड है ग्लो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो ये ग्लो ऑप्शन भी खुल जाएंगे, और थोड़ा सा इसको ग्लो कराना ही है तो फिर यहाँ से आप इसका कलर ग्लो लेके साइज को आप यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये देखें ऐसा बढ़ के चला जाएगा, तो थोड़ा सा यूजर को हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ भाई इसके अंदर कुछ एक्सेल के बारे में बताया जा रहा है। अब लेट्स सपोज इसमें करवाया क्या जा रहा है, कि क्या चीज़ इसमें सिखाई जा रही है, ये क्या चीज़ बताई जा रही है, क्या है ये मामला। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं इसको करने के, कि हम इसके ऊपर कोई एनिमेशन भी लगा सकते हैं, या हम लिख के भी लगा सकते हैं कि और डाउन द रोड जब तक वो वीडियो चलती रहे तो वो इस तरह से आता रहे इसके ऊपर, या जैसे इस तरह से मैंने सब्सक्राइब का ये बना रखा है, कंट्रोल सी करके सब्सक्राइब का यहाँ पे लगा दिया, और इसको उठा के हमने थोड़ा सा
अब ये मैंने खुद बताया था सब्सक्राइब का शेप से, इसलिए थोड़ा सा अड़ी कर रहा है। तो अगर हमारे पास पिक्चर है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इंसर्ट में जाके दिस डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास कुछ सब्सक्राइब के भी होंगे फोटोज वगैरह, तो यहाँ लेटेस्ट में जाके सब्सक्राइब का देख लेता हूँ। नहीं है तो देखते हैं, गूगल से लेते हैं। भी काफ़ी सारे से आ गए, लेकिन इनमें वही मसला है कि इनमें वो पिक्चर्स वगैरह भी लगी हुई हैं। तो मेरे याद पड़ता है कि अपने कुछ डाउनलोड तो किए थे पहले भी पिक्चर्स। नज़र ही नहीं आ रहे डॉक्यूमेंट्स में लेटेस्ट के अंदर। नहीं किया, डायरेक्ट कॉपी कर लिया होगा। तो अब ये मसला होता है, अगर आप पहले से बना के रखेंगे तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता। अब ये नहीं बने हुए तो फिर हमें ये लेना पड़ेंगे कॉपी, इमेज एड्रेस करना पड़ेगा पहले यहाँ से इसका, फिर वही जो वेबसाइट है उसके ऊपर ले जाके हमें पेस्ट करना होगा। कौन सी वेबसाइट है वो, रिमूव बीजी, ठीक है ना? तो वो उसको रिमूव करके देगी हमें बैकग्राउंड को। डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, और अभी यहाँ पर डाउनलोड हो गया होगा, ठीक है ना? ये सब्सक्राइब वाला ही है, सब्सक्राइब लिख देते हैं इसके ऊपर, और इसको यहाँ से कट करके और अपने लेटेस्ट के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद ये हमें ऑटोमेटिकली वहाँ नज़र आ जाएगा। इंस्टॉल पर जाएगा, जिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सब्सक्राइब वाला लेके क्लिक करेंगे, तो ये सब्सक्राइब का यहाँ पर इस तरह से बना हुआ आ जाएगा, ठीक है? इतना ही छोटा चाहिए था। तो अब उसके ऊपर हम ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई ये इसके ऊपर हम क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो उसके लिए मतलब कोई आइडिया हमारे पास होना चाहिए। एक हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि इंसर्ट कर दें और यहाँ पे जाके एक शेप बनाते हैं हम यहाँ पे, जिसको हम न्यूज़ बार कह रहे हैं। इस तरह से बना लेते हैं एक रेड कलर का न्यूज़ बार, और उसके ऊपर एड टेक्स्ट लिख के एड टेक्स्ट कर लेते हैं, और उस पर लिख देते हैं डिज़ाइनिंग मंथली पैरोल शीट, डिजाइनिंग का पैरोल शीट लिख देते हैं, पैरोल शीट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है? और आगे लिख देते हैं लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब, ठीक है? कंट्रोल ए कर देते हैं, होम कर देते हैं, फॉन्ट साइज को एक्सटेंड कर देते हैं ताकि वो नजर आए इसके ऊपर, थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं 32 के फॉन्ट पर रख के इसको एक्सटेंड करके थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं ताकि वो टेक्स्ट जो है इसके साथ डाइल्यूट हो जाए, ठीक है? और इसका जो अलाइनमेंट है लेफ्ट कर देते हैं या सेंटर रख रहे हैं तो थोड़ा सा लेटर्स के अंदर स्पेसिंग ऐड कर दें, तो ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ से इसको बोल्ड कर दें, शेडेड कर दें, फॉन्ट अपनी मर्जी का कोई अच्छा सा ले लें जो इस पर आपको अच्छा लगेगा, या ये अच्छा लगेगा, ये फॉन्ट सही लग रहा है। और इसको हमने सेंटर लाइन भी किया हुआ 38 करके, देखें इसको, ये भी सेट है इसके ऊपर, ये हमने इसके ऊपर बना लिया। इसके बाद नीचे जो इसका शेप है उसके ऊपर भी हमने यहाँ से शेप इफेक्ट्स पर जाके प्रीसेट्स पर जाके एक अच्छा सा प्रीसेट इस तरह का भी लगा सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। इस तरह का प्रीसेट्स भी आपने लगा के इसको यहाँ पे इस तरह से रख लिया। अब उस तरीके से यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पर जैसे आपको अपना फोटो लगाना है तो उस चीज़ को भी आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ पे जाके सर्किल का शेप ले लेते हैं और उस सर्किल के शेप के अंदर आप अपना फोटो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कि ताकि आपका भी प्रमोशन हो, आपको भी लोग जाने कि आप कौन हैं, क्या काम कर रहे हैं। शेप कॉल में जाके यहाँ से पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे और फिर हमारे पास हमारा फ़ोटो फ्रॉम फाइल करके कंप्यूटर में होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाके क्लिक करके लेटेस्ट में गए और पिक्चर्स में चले गए। हमने यहाँ से जाके पिक्चर्स में सर्च कर लेना है, तो पिक्चर्स पे क्लिक किया तो ये राशिद के नाम से हमें कुछ मिल जाए, राशिद एड्रेस तो मिल गया लेकिन फ़ोटो इस तरह का ही लगा देते हैं इसके अंदर। अब ये फ़ोटो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि इस पर लगाया जाए, तो हम इसमें इस तरह का शेप ले लेते हैं कि ये इस तरह का
मामला इसमें सही नजर आ जाएगा, उस तरह का फोटो इस शेप में सही लगेगा। तो पिक्चर्स पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से ले जाके प्रोफाइल कर लेते हैं, और ये इस तरह से लग के हमने इसको थोड़ा सा और एक्सक्यूज कर लिया, थोड़ा सा इसको इस तरह से शेप में ले आए कि हमारा फोटो भी यहाँ पे सही तरह से आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि हम चाह रहे हैं ना अपनी भी ब्रांडिंग हो, हमारी भी पब्लिसिटी हो, तो ये चीज़ इस तरह से हमने लगा दी कि भाई वीडियो भी देखते जाए और ये पता हो गया ये कौन है। तो उसके बाद हमने ये यहाँ पे लगा दिया, अब चैनल का नाम यहाँ पर आ गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आती है बारी कि एनिमेशंस की, कि ये एनिमेशन किस तरह से परफॉर्म करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज इसको एक एनिमेशन देते हैं हम, और ये हमारे पास जो एनिमेशन है वो करेगा पिकिन वाला एनिमेशन जो था ना वो अच्छा था, पिकिन वाला एनिमेशन अच्छा था। ये मूवमेंट वाला तो इसमें है नहीं, ब्लिंक है, टी3 है, तो पिक इन वाला हम इसके ऊपर एनिमेशन सप्लाई करते हैं। पिक इन कर दिया हमने इसको, और ये लेफ्ट से राइट साइड पे आएगा, ये इस तरह से करता रहेगा, और इसको क्लिक करके हमने एनिमेशन पैन खोला, और इस पर क्लिक करके हमने इसको कह दिया टाइमिंग में कि ये कंटिन्यूसली काम करेगा अंटिल एंड ऑफ फ्लाइट, क्लिक करके ओके कर दिया, इस तरह से काम करता रहेगा। क्लिक करा हमने ये आइकन के ऊपर कि ये आइकन किस तरह का एक एनिमेशन प्रेजेंट करेगा, तो मोर में गए और जूम इन इफेक्ट इसको आपने इस पर अप्लाई कर दिया, और इसको भी क्लिक करके यहाँ से डबल क्लिक कर दिया, और यहाँ पर टाइमिंग्स पर जाके अंटिल एंड ऑफ फ्लाइट प्रेजेंट करता रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पे अपने फोटोज के साथ हमने कोई ज़्यादा एनिमेशन नहीं दी, हमने इसको सिर्फ यहाँ पे कहा कि मोर इन एम्फसाइज इफेक्ट कर दिया, टी थ्रिंग का एक इफेक्ट हमने इस पर यूज़ कर दिया, इस पर क्लिक किया और उसको हमने कहा कि भाई फ्लाई इन करा लेते हैं इसको, और फ्लाई इन टू द राइट साइड कर देते हैं, नहीं फ्लाई आउट इफेक्ट इस पर सही रहेगा, फ्लाई आउट कर देते हैं और इसका जो है लेफ्ट साइड करा देते हैं, तो ऐसे को सके गुजर जाएगा। अब रह गया इसका मामला, तो इसको हमारे चैनल का टेक्स्ट है, तो ये किस तरह से हमें ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लगेगा कि इसको हम अप्लाई करें, तो मोर एम्फसाइज इफेक्ट्स में जाके नहीं होगा इसमें काम, हम बल्कि इस पर क्लिक करके मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स में जाके यहाँ से देखते हैं कि पिन व्हील या कुछ इस तरह का स्पायरलिन इफेक्ट जो है या फिर वाइप इफेक्ट जो है ये ज़्यादा कुछ बेहतर रहेगा, जो इसके साथ हमारे चैनल का भी प्रेजेंट करता रहेगा। इस पर भी क्लिक करके हमने यहाँ डबल क्लिक किया, और इसका भी टाइमिंग्स जो है वो ले जाके हमने इस पर रख दिया एंड ऑफ स्लाइड के ऊपर, और इसकी भी जो मामलात हैं इसको भी हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और इस पर डबल क्लिक करके टाइमिंग्स में ले जाके इसको हमने सेट कर दिया अनटिल एंड ऑफ स्लाइड के ऊपर, ओके कर दिया आपने, ठीक है। प्रीव्यू करके देखते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह से अप्लाई होगा प्रीव्यू करने पे, तो है वो आप किस तरह से बनाएंगे, अब प्रीव्यू करने ये कुछ इसका फॉर्मेट है, इसमें कुछ बेनिफिट्स होंगे, यही इसके अंदर तो समझने की चीज है कि इसको कैसे सेट करना है। अब इन सबको हमने क्लिक किया और इनको कहा विद प्रीवियस कर दिया, अब स्लाइड शो करके देखते हैं, तो है वो आप किस तरह से बनाएंगे, ये कुछ इसका फॉर्मेट है, इसमें कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ इसके ड्यूरेशन टैक्सेस होंगे या डिडक्शंस होंगी, और इस तरह से आपने डिजाइन करनी है। तो मैं इसको सबको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाके इसको कर देता हूँ क्लियर फॉर्मेट। यहाँ पे जाके सबसे पहले आपने लिखना है मंथली पेरोल शीट, इसके ऊपर आप कंपनी का काम तो अपनी जगह चलता रहे लेकिन थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड रहे, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डबल क्लिक करते हैं, इसकी टाइमिंग्स में जाके हम इसको कर देते हैं, जो उसका ड्यूरेशन है वो हम इसका 5 सेकंड पे कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये इस तरह से गुजर जाएगा, अगर ये भी थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप इसका टाइमिंग का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा के 10 सेकंड पे कंट्रोल कर दें। सिमिलरली इसके लिए जो मामलात हैं इसको 5 सेकंड पे कर दें, यहाँ से भी किया जा सकता है, वैसे यहाँ से डायरेक्ट डबल क्लिक करके हमें बनाए बनाए मिल जाते हैं, तो यहाँ से क्लिक करके हम 5 सेकंड पे इसको रख देते हैं, तो ये इस तरह से 5 सेकंड पे अप्लाई हो जाएगा। टेक्स्ट एनिमेशन में एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, चलो ठीक है वो उस पर काम करता है। अब ये जो है इस तरह से काम कर रहा है, अब इसमें हमारा क्या हो रहा है, जूम इन हो रहा है और हम इसमें एक जूम आउट इफेक्ट भी है, तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाँ एड एनिमेशन से कर सकते हैं, और इसी को अगर हम चाहें तो यहाँ पर टाइमिंग्स में देखते हैं, पहले इसको हम ये इसको कर देते हैं कि ये भी 20 सेकंड में काम करे अपना पूरा, थोड़ा स्लो रखते हैं अंटिल एंड ऑफ स्लाइड डिले है इफेक्ट्स है, ठीक है। उसके बाद साउंड्स भी इस पर ठीक है, आफ्टर एनिमेशन कुछ करे नहीं करे, नहीं कुछ भी ना करे बस ऐसे ही चलता रहे, अच्छा वैनिशिंग पॉइंट इसका ऑब्जेक्ट सेंटर है, ये करता रहेगा अपने तौर पे काम 20 सेकंड के अंदर, ये मामला तक किया। इसको हम एक टीथरिंग इफेक्ट दिया लेकिन इसने काम नहीं किया या थोड़ा सा करके रुक गया, इसकी टेक्स्ट एनिमेशन में भी जाके हम इसको रिपीटिंग में अंटिल एंड ऑफ स्लाइड कर देते हैं, और ड्यूरेशन में भी इसका 3 सेकंड रख लेते हैं, तो आराम आराम से करता रहेगा। इसका जो पीक इन का इफेक्ट है
पिक इन इफेक्ट को भी हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं, ये भी थोड़ा आराम आराम से इस पे परफॉर्म होता है 5 सेकंड्स के अंदर, और इफेक्ट्स ऑप्शंस पे कोई डिम ना हो फ्रॉम राइट साइड रहे ओके कर देते हैं। अब स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो है वो आप किस तरह से बनाएंगे, ये कुछ इसका फॉर्मेट है, इसमें कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ इसके ड्यूरेशन टैक्सेस होंगे या डिडक्शंस होंगी, और इस तरह से आपने डिजाइन करनी है। तो मैं इसको सबको पहले सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे जाके इसको कर देता हूं क्लियर फॉर्मेट। वीडियो भी चल रही है, यहां पे जाके सबसे पहले आपने लिखना है मंथली पेरोल शीट। इसके ऊपर आप कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस इदारे में बैठ के आप ये शीट बना रहे हैं उसका नाम भी आप लिख सकते हैं, फिर मंथली पेरोल शीट। ठीक है, तो ये एक इस तरह का जो इफेक्ट है वो आप इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं। अब रह गया इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक भी लगाना है, तो पहले म्यूजिक हमारे पास होना चाहिए, फिर इंसर्ट में जाके यहाँ से ऑडियो पे क्लिक कर दें, ऑडियो ऑन माय पीसी पे क्लिक कर दें, एंड देन फिर आपके पास कोई म्यूजिक की फाइल है, फेस्टिवल टॉप मॉफर है, इस पर क्लिक करके इसको कह दें प्ले इन बैकग्राउंड, और इसकी जो ऑडियो ऑप्शन हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी प्ले इन बैकग्राउंड के हवाले से। ऑडियो में जो इसकी वॉइस का जो मामला है वो थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ नहीं दबनी चाहिए, क्योंकि हमारा वॉइस भी इसके अंदर आ रहा है। अब उसके बाद जैसे हम स्लाइड शो करते हैं, तो है वो आप किस तरह से बनाएंगे, ये कुछ इसका फॉर्मेट है, इसमें कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ इसके प्ले तो बिल्कुल सही हो रहा है, ऑडियो भी इसके अंदर आ रही है, लेकिन साउंड क्वालिटी इतनी ज्यादा है वॉइस के वो मैं इसको कर नहीं पा रहा, तो इसकी साउंड क्वालिटी को हम यहाँ से कम पे रखेंगे। ठीक है ना, वॉइस कम रखेंगे तो हमारी वॉइस फिर जो ऑडियो की है वो उसके ऊपर डोमिनेंट रहेगी, अदरवाइज फिर हमारी वॉइस कम हो जाएगी। और ये तो है वो आप किस तरह से बनाएंगे, ये कुछ इसका फॉर्मेट है, इसमें कुछ बेनिफिट्स नहीं, लेकिन साउंड क्वालिटी यहाँ से कंट्रोल नहीं हो पा रही, वो अपना मैक्सिमम साउंड ही दे रहा है, ऑडियो जो मैं उसको साउंड कह रहा हूँ देने के लिए वो उस पर नहीं दे पा रहा, और ऑडियो ऑप्शंस में इसके साउंड को कम करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, देख रहे हैं। तो अब क्या करें, अब ये होता है कि जब इस तरह के मामलात हो जाते हैं तो फिर आपको ऑडियो में की आवाज़ कम धीमी ऑडियो वाली कोई ऐसी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतना तो एडिट हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वॉइस पर नीचे करने के ऑप्शंस नहीं दिए हुए, वो प्रीमियर में या कैपकट में दिए हुए होते हैं, उसमें इजीली कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें कोई ऑडियो जो लो थोड़ी किसकी आवाज़ कम हो उसको हम लेंगे, ताकि वो हमारे डोमिनेंट ना हो वीडियो के ऊपर, और इस तरह से यह हमारी वीडियो कम्प्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद जब ये वीडियो हमारी बन जाएगी तो फिर आप इसको सिंपली फाइल में जाके यहाँ से करेंगे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करेंगे क्रिएट वीडियो, और यहाँ से चार साइज आपके पास मौजूद है, अल्ट्रा HD, फुल HD, HD 720 स्टैंडर्ड, तो ये लोअर साइज है, कम से कम इसमें बनाएं, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बनाने में। फिर यहाँ से 480 पे क्लिक करके क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो एक हमारी MP4 फाइल वीडियो की जनरेट कर देगा, जिसको हम इजीली अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे, शेयर बुक में, कहीं पे भी इसको शेयर वगैरह कर सकते हैं। और इस तरह से आपकी वीडियो के ऊपर से कॉपीराइट का स्ट्राइक भी हट जाएगा, कोई भी वीडियो ऐसे फ्रेम में लगा के अच्छे से लगा सकते हैं, चैनल का प्रमोशन भी रहेगा, और आपका जो एक जैसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी इसके ऊपर फॉलो हो जाएगा।